चंदन सेरेमनी, ये चंदन जो होता है इसको त्रिपुंड कहते हैं, त्रि माने तीन, तो तीन रेखाएं खींची जाती हैं। और हम ऐसा मानते हैं कि गुरु जब चंदन लगाते हैं तो आपके भाग की रेखाओं को आपके जहाँ पे हैं उससे ऊर्ध्व गति को ले जाते हैं, यानी गुरु आपको अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं। तो चंदन से जो तीन रेखाएं खींचती हैं उससे आपकी भाग्य की रेखाएं दिशाएं बदलती हैं। और इसमें बहुत हमारे जो सभ्यता है इसमें हरि अनंत और हरि कथा अनंता, तो कोई बहुत ज्ञानी होंगे तो घंटों इसी सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं। तो चंदन में क्या क्या सामग्री पड़ती है, चंदन है, उसके बाद में कुमकुम है, चंदन में क्या मिलाते हैं, और फिर वो सब उसकी सब की एक एक अपनी सिग्निफिकेंस है। तो चंदन शीतल होता है, तो इससे आपके जो ताप होते हैं अंदर में, उत्ताप होती है, उसको चंदन शीतल कर देता है। तो ये बड़ी लंबी कहानी है, मगर इसका जो संक्षेप में यही है कि इससे गुरु आपके भाग्य की रेखा को अच्छे दिशा में ले जाए। भोले बाबा की जय।
सादेवी नवकोटि मूर्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरीं मां पातु विश्वेश्वरीं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरेत ततो जयमुदीरेत। बोले जगदम्बे मैया की जय। साबर रामचंद्र की जय। पवनसुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। श्री हड़ियाखंडी भगवान की जय। श्री मस्त भगवान की जय। श्री महेंद्र भगवान की जय। श्री गौतमी गंगा की जय। आज के श्री जो है महाकाली मैया की जय। प्रथम शैलपुत्री मैया की जय। आज के आनंद मंगल की हर हर महादेव। परम्बा जगदम्बा की अनुकंपा, बाबा जी की कृपा और आप सब लोगों के सहयोग से ये कोरोना काल में कथा रूपी करुणा भी बह रही है। बोले जगदम्बा जी मैया की। हमने कल बताया था ना, तुला का आज सूर्य हो गया है, और बार तो कन्या का सूर्य होता था, इस बार आज से तुला में चला गया है। तुला तराजू है, तो तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक में भगवान की करुणा बह रही है, करुणा का तोलन हो रहा है, और एक जो है कोरोना को हटाने की प्रक्रिया हो रही है। तो ये सार्थक हो गया, कल हमने बताया था।